हेलो गाइस, वेलकम बैक फॉर अनदर वीडियो। यदि गाइस आप ओप्पो रिनो 7 सीरीज का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि ओप्पो रिनो 7 सीरीज इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है और इस सीरीज का लैंडिंग पेज आप फ्लिपकार्ट पर देख सकते हैं और बहुत ही जल्द होगी ये सीरीज लॉन्च इंडिया के अंदर। फर्स्ट वीक फरवरी में लॉन्च होने वाली है ओप्पो रिनो 7 सीरीज। ओप्पो रिनो 7 सीरीज के अंदर दो स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे, ओप्पो रिनो 7 और ओप्पो रिनो 7 प्रो। प्रो वेरिएंट जो है वो एक हाई वेरिएंट देखने को मिलेगा और काफ़ी कमाल के फीचर इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। पोर्ट्रेट एक्सपर्ट होने वाला है ओप्पो रिनो 7 सीरीज। पोर्ट्रेट एक्सपर्ट इज कमिंग, यानी कि नेक्स्ट लेवल के फीचर आपको कैमरे में देखने को मिलने वाले हैं ओप्पो रिनो 7 सीरीज के अंदर। फ्लैगशिप पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर और वर्ल्ड का फर्स्ट सोनी IMX709 सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि अल्ट्रा सेंसिंग सेंसर के साथ आएगा। एक्सक्लूसिव कस्टमाइज किया है बाय ओप्पो ने, तो काफी कमाल के फीचर आपको मिलने वाले हैं। प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट आएगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट स्मार्टफोन से रिलेटेड जानकारी आपको कंटिन्यू चैनल में मिलती रहेगी। सो गाइज, फटाफट से कर लेते हैं अपनी वीडियो। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओनली ओप्पो रिनो 7 स्मार्टफोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, जो कि ऑफिशियल कन्फर्म हो चुके हैं और काफी कमाल के फीचर देखने को मिलेंगे ओप्पो रिनो 7 स्मार्टफोन के अंदर। अगर बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो फ्रंट और बैक दोनों में आपको ग्लास मिलेगा और गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 की प्रोडक्शन में जाएगी आपको फ्रंट में और मेटल फ्रेम के साथ आने वाला है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ही कमाल की मिलने वाली है, बिल्ड क्वालिटी सब बेफिक्र रही है। डिजाइन की बात करें तो ओप्पो रिनो 6 की ही तरह देखने को मिलेगा डिजाइनिंग, यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा, वो बाद में जाकर कन्फर्म होने वाला है। गाइज, यदि बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वो भी सैमसंग की E4। यहाँ पर 90 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 20:9 का एक्सपेक्टेशन, HDR10+ की सर्टिफिकेशन, वाइड वाइन L1 की सर्टिफिकेशन के साथ, और यहाँ पर आपको 409 PPI यानी कि पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी। ओवरऑल वॉचिंग कंटेंट आपको अच्छा देखने को मिलने वाला है, व्यू एंगल काफ़ी कमाल के होने वाले हैं। पंच होल कटआउट के साथ आएगा ओप्पो रिनो 7 स्मार्टफोन। 600 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। ओवरऑल डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल की मिलेगी, डिस्प्ले के मामले आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, कर्व स्क्रीन नहीं होगी। यहाँ पर आपको 1.5 mm की थिकनेस देखने को मिल जाएगी, काफ़ी पतला स्मार्टफोन होने वाला है ये, और 185 ग्राम इसका वेट होने वाला है, तो काफ़ी लाइट वेट भी होने वाला है। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन के मेन पार्ट एंड इसके परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G की 5G वाली चिपसेट देखने को मिलेगी, जो कि बनी हुई होगी 6nm प्रोसेस पर, और यहाँ पर आपको CPU परफॉर्मेंस जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी ऑक्टाकोर 64-bit वाली, और यहाँ पर 2.4 GHz की पीक क्लॉक स्पीड देखने को मिलने वाली है, और क्रायो 670 का यहाँ पर CPU देखने को मिलेगा, वो भी 8 कोर वाला, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करके देने वाला है। हीटिंग इशू आपको बहुत ही कम मिलेगा, परफॉर्मेंस आपको तकड़ी मिलेगी, परफॉर्मेंस सब बेफिक्र। गेमिंग को संभालने के लिए एडिनो 642L ग्राफिक्स रेंडर देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी कमाल के रेंडर्स प्रेजेंट करते हैं और गेमिंग आप अच्छी कर पाएंगे, गेमिंग में भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। रैम टाइप की बात करें तो LPDDR4X वर्जन और स्टोरेज टाइप में आपको UFS 2.2 वर्जन देखने को मिलने वाला है। ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 8GB 128GB एंड 8GB 256GB। मैन कैमरे की बात करें तो ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, जैसे ओप्पो रिनो 7 प्रो स्मार्टफोन के अंदर देखा था। पोर्ट्रेट एक्सपर्ट होने वाला है इसका मेन कैमरा, नेक्स्ट लेवल का फोन होने वाला है ये स्मार्टफोन, और नेक्स्ट लेवल के फीचर देखने को मिलेंगे कैमरे के अंदर। 50 MP का मेन कैमरा OIS के सपोर्ट के साथ एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP का मैक्रो, 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा सेटअप आपको बहुत ही तकड़ा मिलने वाला है इस फोन के अंदर। अगर बात करें सेल्फी कैमरे की, तो टॉप लेफ्ट साइड में आपको पंच होल देखने को मिलेगा और वहां पर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और वर्ल्ड का फर्स्ट सोनी IMX709 अल्ट्रा सेंसिंग सेंसर देखने को मिलेगा। एक्सक्लूसिव कस्टमाइज बाय ओप्पो, ओप्पो ने कस्टमाइज किया है, काफ़ी कमाल के फीचर मिलने वाले हैं सेल्फी कैमरे में। तो ओवरऑल कैमरा सेटअप आपको बहुत ही तकड़ा मिलने वाला है। यहाँ पर डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे स्टीरियो साउंड के साथ। यहाँ पर बात करेंगे इसके बैटरी बैकअप की, तो 4500 mAh की बैटरी होगी, प्लस 65W फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, USB Type-C देखने को मिलेगा आपको चार्जिंग के लिए। तो बैटरी बैकअप में भी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है ये। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा आपको सिक्योरिटी के तौर पर, और फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 देखने को मिलेगा, कलर OS 12 वर्जन के साथ आने वाला है ये स्मार्टफोन। फ़ोन के लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इसका लैंडिंग पेज लाइव आ चुका है फ्लिपकार्ट पर, और इसकी ये भी बात ऑफिशियल कन्फर्म हो चुकी है कि ये फर्स्ट
वीक में लॉन्च किया जाएगा फरवरी में, यानी कि 10 फरवरी से पहले ओप्पो रिनो 7 सीरीज लॉन्च की जाएगी इंडिया के अंदर। अगर बात करें ओप्पो रिनो 7 स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो जो बेस वेरियंट है 8GB 128GB, इसके प्राइस होंगे अराउंड 35,000। ऑफिशियल कंफर्म अभी नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है। और गाइस इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।